ओके, तो क्वेश्चन रीड कर लें तो फिर हम देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन रीड कर लिया साहब ने। जी सर, ओके, सो कोई समराइज करते क्वेश्चन। मैं करूं जी सर, आप करते। सर जो मुझे समझ आई है मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स एंड एन इंटीजर के। फाइंड अ कॉन्टिजियस सब एरे हुज लेंथ इज इक्वल टू के। इसमें एक्चुअली हमारे पास एक एरे दिया गया है, उस नम्स एक एरे हमारे पास है, उसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं और वो कह रहा है कि हमने कॉन्टिन्यूस सब एरे फाइंड करना है जिसकी लेंथ होगी के के इक्वल। के हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1 में देखें तो हमारे पास 4 गिवन है, तो वो कह रहा है कि दैट हैज मैक्सिमम एवरेज वैल्यू एंड रिटर्न दिस वैल्यू। हमने सब एरे लेना है जो कि के इक्वल होगा, उसके हमने देखना कि वो डेफिनेटली वो सब एरे जो है वो आइट्रेट करेगा, मूव करेगा पूरी हमारी एरे के ऊपर, और उससे उसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम एवरेज हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो वो हम रिटर्न कर देंगे। तो उसमें आगे उसने आगे मेंशन किया, एनी आंसर विद अ कैलकुलेशन एरर लेस देन 10 की रेस पावर -5 विल बी एक्सेप्टेबल। सर जी इसमें अच्छा, मजीद बिल्कुल अगर ऐसे कुछ ही मैं मिस कर रहा हूँ तो आप। है। हमारे पास उन्होंने एक रे दी हुई है नम्स नाम की, और हमें एक उन्होंने इंटीजर दिया है के। अच्छा, अब हमने करना क्या है कि कंटिन्यूअस सब एरे हुज लेंथ इज इक्वल टू के दैट हैज मैक्सिमम एवरेज वैल्यू एंड रिटर्न दिस वैल्यू। अच्छा, हमारे पास अब एक नम्स नाम की अरे है, और हमें एक उन्होंने इंटीजर दिया है के, विच इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब हमने सब अरे कौन सी निकालनी है? हमने सब अरे निकालनी है के वैल्यू के बराबर की, लेंथ इज इक्वल टू के। अच्छा, अब के की क्या वैल्यू है? फर्स्ट अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में हमारे पास के की वैल्यू है 4। तो इसका मतलब यह है कि हमने एक 4 4 की अरे सब अरे निकालनी है, उनकी हमने एवरेज निकालनी है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, उनने वो भी नीचे एक्सप्लेन किया होगा कि हम इन सब अरेज के जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको हम ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड करने के बाद हमारे पास वो जितनी वैल्यूज होंगी हम उसके ऊपर उसको डिवाइड करेंगे। तो उसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास हमारी एवरेज आ जाएगी। तो हमने वो रिटर्न करना है कि जिस सब अरे के अंदर हमारे पास मैक्सिमम एवरेज आए। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो उस समय जो मैक्सिमम हमारे पास जो आ रही है एवरेज, वो आ रही है इस विंडो के अंदर, इस 4 वैल्यूज के अंदर। उसको अगर हम तब निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो ये आती है 12.75, जो कि हमारे पास मैक्सिमम। इसी तरह अगर हम अगर एग्जाम्पल 2 में देखें तो हमारे पास वहाँ सिर्फ एक ही वैल्यू है और के की वैल्यू भी एक ही है। तो इसकी अगर हम एवरेज निकाल लें तो इसकी एवरेज भी यही आएगी 5 ही। 5 को अगर डिवाइड करेंगे 1 के ऊपर तो वो 5 ही रहेगा, तो इसकी वजह से इसके जो आउटपुट है वो 5 आ गई। सो दिस इज द क्वेश्चन। किसी को क्वेश्चन ना क्लियर हो, क्वेश्चन क्या है? सबको क्लियर है? जी सर, अच्छा, अब किसी के माइंड में आ रहा हो कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, किस तरह कैलकुलेट करें और मैक्सिमम निकालें?
किसी के माइंड में आ रहा हो कुछ भी। सर वो सेम एक फॉर लूप में हम जो चलाएंगे और दूसरा फॉर लूप मतलब कि जो कंडीशनल फॉर लूप चलाएंगे उसमें हम जो है ना वो सब एरे अपनी फोर उतार के रखेंगे और फिर उसके आउटपुट में हम जो है ना अपने सब एरे उसको प्लस करेंगे और एवरेज निकाल के हम एक वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसको मैक्स में करते जाएंगे। फिर इस तरह जैसे जैसे सब भी आगे जाती जाएगी और जो मैक्स हमारे पास आएगा एवरेज तो उसको हम रिटर्न कर देंगे। जी बिल्कुल। लेट्स सपोज के सबसे पहले मैं आता हूँ अपने इस पॉइंट में, मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पर आएगा और निश्चित तो मेरा यहाँ पर ही होगा। अच्छा, मैं इसको देखूंगा, इसको काउंट करूंगा, फिर मैं अपने नेक्स्ट को काउंट करूंगा और साथ में अपनी के की वैल्यू को देखता रहूंगा। तो मैंने अपनी के अंदर जितनी वैल्यू था सब उनको ही लेना है फिलहाल। अच्छा, जब मैं अगेन फिर आगे जाऊंगा, इसको भी मैं ऐड करूंगा, तो देन फिर मैं के को चेक करूंगा क्या वो के अंदर ही वैल्यू था मेरी, तो अभी तक तो के अंदर ही है। देन अगेन फिर मैं अगली वैल्यू पर जाऊंगा, उसको भी देखूंगा और उसको ऐड करूंगा। देन मैं देखूंगा विंडो का साइज, तो अभी भी वैल्यूड है वो के इक्वल है, ग्रेटर देन नहीं है। तो जब मैं फिर उसके बाद अगली दफ़ा जाऊंगा तो अब मेरा जो है वो के से एक्सीड हो गया, तो मेरे पास ये यहाँ तक कि एक सब अरे आ गई है। अच्छा, यहाँ तक कि मेरे पास एक सब अरे आ गई। अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा सारी वैल्यू को, जितने भी मेरे पास यहाँ तक वैल्यूज आई हैं। अच्छा, कैलकुलेट करने के बाद इसको मैं एक रखूँगा एक वेरिएबल के अंदर, सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ टोटल का, और अगर मैं इनको काउंट करूँ तो मेरे पास आता है 1 और 12 13 आता है, और -5 और -6 तो -11 है, तो ये 2 वैल्यू आ जाती है। अच्छा, तो इस सब अरे के अंदर जो मेरे पास टोटल जो वैल्यू आई है सिर्फ सम आया है, मैंने अभी उसको एवरेज नहीं निकाला, वो मेरे पास आया है 2। अच्छा, जब मेरे पास अब विंडो जो है वो साइज 4 तक चली गई है, तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे अपना जो पॉइंट है उसको 1 से निकाल कर एक स्टेप आगे लेकर जाना है, क्योंकि मेरे पास जो 4 वैल्यू थी एक विंडो के अंदर वो मैंने कवर कर ली। अच्छा, अब जो मेरा पॉइंट था सेकंड था वो था मेरा यहाँ पर। अब सिंपली मैं ये करूँगा कि मैं अगेन जो है वो सारी वैल्यूज को काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहली लूप के अंदर जब पहली दफ़ा मैं चला था तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी वैल्यू था सबको काउंट कर लिया था। तो अगर मैं अब लेट्स सपोज के पॉइंटर को यहाँ से 1 से मूव कर 12 पर आता हूँ, और 12 से मैं फिर इसको 1 बाय 1 अगेन काउंट करने लगूंगा, तो ये मेरे पास जो काम है वो रिपीट हो रहा है। तो मैंने ये काम नहीं करना, मैंने उसके वैल्यूज को पहले ही काउंट कर लिया है। सिंपली मैंने अपना एक जो पॉइंटर है उसको सिर्फ मूव किया है 1 को, तो मैं सिर्फ 1 को रिमूव करूंगा अपने टोटल में से, और जो अगली जो वैल्यू है मैं उसको ऐड कर लूंगा। तो मेरे पास मुझे अगेन से ये जो सारी आइटरेशन है मुझे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ये अपना जो सम है पहले ही निकाल लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सिंपली मेरे पास जो पहले था सम यहाँ इस सब रे के अंदर वो था 2, उसके बाद मैंने इसमें अपना 50 जो है उसको ऐड किया, सपोज मैं यहाँ पर 50 को ऐड कर देता हूँ। अच्छा, 50 को ऐड किया तो ये मेरे पास आ गया 52 बनता है। तो और उसके अलावा जब मैंने अपना पॉइंटर है जो उसको मैंने एक स्टेप आगे फर्दर मूव किया, तो मैं जो 1 है उसको माइनस भी कर दूंगा, तो मेरा प्रीवियस था। तो इसको अगर करें तो ये मेरे पास आता है 51। अच्छा, अब मैं इसको देखूंगा कि क्या मेरा जो पहला था रिजल्ट वो मेरे पास टोटल जो मेरे पास पहले था वो था मेरे पास 2, अब मेरे पास आ गया 51। तो साथ में ऐसे करूँगा कि अपना एक वेरिएबल ले लूँगा मैक्स का, तो ये देखेगा कि अच्छा अब मेरे पास मैक्सिमम क्या है। तो पहले तो मेरे पास मैक्सिमम था 2 जब मैंने पहली दफ़ा अपनी सब एरे को फाइंड किया था। अच्छा, अब मेरे पास जो टोटल आया है इस सब एरे का वो हो गया 51। तो मैं अब 51 को कंपेयर करूँगा अपने इस मैक्सिमम के साथ कि अच्छा अब जो मेरे पास वैल्यू आई है वो पिछली से ज़्यादा आई या कम आई है। तो इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो 51 आई है, तो पिछली में हमारे पास 2 थी, तो मेरे पास एक मैक्सिमम सब रे आई है वैल्यू के साथ, तो मैं अपना जो मैक्सिमम है उसको अपडेट कर दूंगा।
51 के साथ। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मेरा किसी को यस अगर सर। समझ ना आई हो, जी सर क्वेश्चन है किसी का अगर तो पूछ ले। जी। अब ये जो हमने विंडो बनाई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसी साइज की विंडो बनानी है? हमें के में वो प्रोवाइड होगी कि के लेंथ की विंडो बनानी है, जी हम बिल्कुल एक उसमें आगे भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, के हमें यही डिनोट कर रहा है कि अपने कितने ओके नंबर से वो लेने हैं एट अ टाइम। अब मैंने 4 लेने तो मैं 4 4 के बनाऊंगा, तो जब मेरा 4 से एक्सीड हो गया है, लेट्स सपोज के जब मैं पहली दफ़ा ले रहा था मेरा यहाँ तक 4 बनता है, अब अगली दफ़ा जब मैं जाऊँगा तो मेरा 50 पर आएगा, तो ये 4 से एक्सीड कर दी है, तो इसी वजह से मैं अपना जो प्रीवियस एलिमेंट है इसको रिमूव कर दूंगा और एक स्टेप आगे कर दूंगा ताकि वो 4 की विंडो के अंदर ही रहे। इस केस में मेरे पास 50 से 12 से लेकर 50 तक ये 4 की जो है एक सब अरे आ जाएगी। जी मतलब अगर हम -6 तक पहुंच जाते हैं तो हमारे आगे 3 एलिमेंट बचेंगे, तो फिर हम सब रे नहीं बना सकते। मीन्स कि हम सिर्फ -5 तक की आगे तक मतलब कि उसको कर सकते हैं डिनोट। नहीं बिल्कुल जाएंगे हम, अभी तो हम यहाँ पर हैं तो हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को मूव करें और राइट को तब तक ही करेंगे जब तक कि राइट पॉइंटर जो हमारा यहाँ पर है, अच्छा इसको हमने काउंट कर लिया। अब अगली बार जब ये 3 पर आएगा तो 3 पर भी ये चलेगा, उसके बाद जब 3 के बाद हम दोबारा इसको मूव करेंगे तब ये जाकर जो है जी जी वही वो कह रहा। इंडेक्स जो है वो आउट। ओके हो गया, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन वो स्क्रीन शायद स्क्रीन नहीं आ रही। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा ऑलराइट, अच्छा स्क्रीन अब शेयर हो रही है आपको? यस सर बिल्कुल। ऑलराइट सो अच्छा हमने यहाँ तक अपने विंडो को ले गए थे, तो यहाँ तक हमारे पास जो मैक्सिमम हमारे पास आया था वो आया था 51। अच्छा अब 51 को हमने रख लिया, तो हमारा जो पॉइंटर था वो हमारे पास हमारा जो राइट पॉइंटर था वो 50 पर था, तो वो एक स्टेप आगे चला जाएगा 3 के ऊपर। तो अब हम विंडो का साइज देखेंगे तो हमारा विंडो का साइज एक्सीड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पॉइंटर को मूव करेंगे 1 स्टेप आगे, तो 12 को निकाल कर हम यहाँ पर आ जाएंगे एल के ऊपर -5 के ऊपर। अच्छा अब इनकी जो हमारे पास एक विंडो का साइज आ गया जो कि हमारे पास है वैलिड साइज है विंडो का 4 एलिमेंट्स का, अब इनको जगह अगर हम काउंट करें तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 50 है, और 50 में 3 करें 53 आएगा, और 53 में से हम माइनस करेंगे 11 को, तो हमारे पास ये 42 बनता है। अच्छा तो हम इनको फिर चेक करेंगे क्या ये हमारे पास मैक्सिमम है जो हमारे पास सम आ रहा है, तो पहले जो मेरे पास है वो 51 है, अब जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 42, तो ये मेरे पास मैक्सिमम नहीं है, तो मेरा मैक्सिमम है वो 51 ही रहेगा। सर अच्छा -12 करेंगे ना? हाँ ओ 12 को माइनस करते हैं जी 11। जब हम एक स्टेप आगे करेंगे, लेकिन उसको माइनस कर देंगे वो निकल जाएगा। अच्छा तो उसके बाद मेरा जो सम है वो माइनस करने के बाद 42 आएगा, लेकिन जब मैंने इनिशियली जो कैलकुलेट किया वो मैक्सिमम मैंने 51 किया है, तो मैं कंपेयर उसको 51 से ही करूँगा कि मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 51 आई थी। अच्छा उसके बाद जब अगेन हम इसको फर्दर मूव करना चाहेंगे तो हमारे पास जो फॉर लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा, आइटरेशन हमारी अरे के ऊपर मुकम्मल हो जाएंगी, तो ये जो है आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो इससे आगे मजीद नहीं चलेगा, तो मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आई है वो आई है 51।
तो मैं 51 को फिर एवरेज निकालने के लिए जब रिटर्न करूंगा तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा अपने के वेरिएबल्स के, तो के की मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है 4, तो मैं इसको 4 के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा मैक्सिमम आंसर होगा। सपोज इस केस में हमारे पास आती है 12.75, तो ये मेरे पास मैक्सिमम एवरेज सब रे मेरे पास आ गई है। सबको क्लियर है यहाँ तक? एनीवन, किसी को समझ ना आई हो क्वेश्चन में की? क्लियर ऑलराइट, सो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं फिर। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक ले लेता हूँ टोटल का, जो कि मेरा काउंट करेगा एक जो उसके अंदर है सब अरे है उसका टोटल करेगा, और एक मैं ले लेता हूँ मैक्सिमम जो कि मुझे एंड पर मैक्सिमम रिटर्न करेगा। अच्छा, मैक्सिमम मैं ऐसे कर लेता हूँ कि मैं इसको ले लेता हूँ, ये सम है मेरे पास नम्स ऑफ स्टार्टिंग से लेकर के तक का। अच्छा, इस लाइन की किसी को समझ ना आई हो कि इस लाइन में हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 4 में। एनीवन, किसी को समझ ना आई? जी सर, मुझे नहीं है। अच्छा, इसमें हम ये करें कि हमने ना अपनी 4 वैल्यूज को काउंट करना है गिवन कंडीशन के मुताबिक, 0 से लेकर 4 कहाँ तक बनती है, 3 इंडेक्स तक बनती है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर मेथड क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पर मेथड यूज़ किया स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग का मेथड हम नम्स पर और स्ट्रिंग पर यूज़ करते हैं। अब कैसे ये वर्क करें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हम कर रहे हैं सम, हमारे पास जो पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है सम का, जो कि हमारे पास वैल्यूज़ को सम करके देता है। अच्छा, वैल्यूज़ का अब हम सम कितनी वैल्यूज़ कर रहे हैं हम उसको इस मेथड के थ्रू दे रहे हैं, स्लाइसिंग की टेक्निक है। अब स्लाइसिंग करने का हमारे पास ये तरीका कि हम जब स्लाइसिंग करते हैं तो हम उसको बताते हैं कि अच्छा आपने कौन से इंडेक्स से लेकर कौन से इंडेक्स तक वैल्यूज़ को पिक करना है और उनका सम करना है। अब हम यूजली देते हैं कि लेट्स सपोज के मैं देता हूँ कि आप 0 से लेकर, यानी 0 इंडेक्स से लेकर मुझे दे दें 5 इंडेक्स तक, तो ये 0 से लेकर जो 4 इंडेक्स है वहाँ तक की वैल्यूज को काउंट करेगा। जो आखिरी वैल्यू होती है ना हमारे पास, जो सेकंड वैल्यू होती है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। ये सिर्फ ये करेगा कि ये 5 इंडेक्स तक जाएगा और फिर रुक जाएगा, लेकिन वैल्यूज जो है वो हमें 4 की देगा। लेट्स सपोज के अगर इस एग्जांपल में मैंने इसको कहा है कि अच्छा आप स्टार्टिंग से लेकर, अगर मैं इसको शुरू पर कोई वैल्यूज ना ना दूँ स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब यही है कि ये स्टार्ट से जो है वो शुरू कर रहा है वैल्यूज को पिक करना। अच्छा, अब ये स्टार्ट से लेकर कर रहा है के तक, तो स्टार्ट से मीन्स यानी ये 0 से लेकर के मेरे पास क्या है 4 है, तो ये 4 तक करेगा। अच्छा, अब कैसे करेगा वो देख लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास रे होती है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है, तो इसकी वजह से मैंने इसको कहा है कि आपने के तक करना है, तो जब ये के तक करेगा यानी 4 तक, तो कैसे करेगा, ये करेगा 0 से, 0 इंडेक्स से 0, 1, 2 एंड 3। सो इस तरह ये 3 इंडेक्स तक जाएगा और वहां पर जाकर ये रुक जाएगा, 4 को इसमें इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि 4 जो है हमारे पास वो एक्सक्लूड होता है, वो उस इंडेक्स को काउंट नहीं करता, उससे पिछली जो वैल्यूज है वहां तक वो काउंट करता है। तो ये जो मेरे पास मैक्सिमम कैसे आएगा, ये मेरे पास पहली जो मेरी वैल्यूज है ना 4, जो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है, जो कि है 1, 12, -5 और -6, इन सबको लेगा और इनका सम कर लेगा। अच्छा, इनका सम करेगा, इन सब की वैल्यूज को लेगा, सम करने के बाद वो मुझे मैक्सिमम में रिटर्न कर देगा कि अच्छा मेरे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है ना इसके अंदर, मैंने इसको पहले ही काउंट कर लिया कि अच्छा मेरे पास इस विंडो के अंदर मेरे पास जो मैक्सिमम है वो ये वैल्यू है, तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको इनिशियली मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि अच्छा मेरे पास सबसे पहले जो मैक्सिमम पड़ा है वो इनका मैक्सिमम पड़ा हुआ है, इन 4 वेरिएबल्स का, इस सब अरे का मेरे पास पड़ा है।
अब मैंने इसके साथ कंपेयर करना है कि इससे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू मुझे कोई मिलती है या कि नहीं मिलती। तो ये तो क्लियर है स्टेप लाइन नंबर 4। जी सर, इसके अलावा हम वो यूज़ कर सकते हैं, अब जावा में मैं कोड करूँगा तो कस्टम फॉर लूप लगा के तो मैं इसका सम कर लूँ 0 से लेकर 3 तक एज इनिशियल स्टेट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वही आएगी आई थिंक। आप वैसे भी कर सकते हैं, मैं अगर इसको फंक्शन को ना यूज करूँ, मैं फॉर लूप लगाकर हर वैल्यूज के ऊपर चला जाऊँ और वन बाय वन उसको काउंट प्लस करता रहूँ, तो वो वैसे भी कर देगा। जी ठीक हो। अच्छा, अब उसके बाद मैं देखूंगा कि, अच्छा मैं इसको करता हूँ कि मैं इनिशियली टोटल को भी इसके आगे रख देता हूँ कि मेरे पास जो टोटल वैल्यू है वो भी यही है इनिशियली, और मैक्सिमम भी यही है मेरे पास जो ये सब अरे गिवन सब अरे। अच्छा, उसके बाद मैं अपने 2 पॉइंट ले लेता हूँ, लेफ्ट ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं अपना सेकंड फॉर लूप लूँगा। अच्छा, अब मैंने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है? मैं स्टार्ट इसको यहाँ से करूँगा कि मैंने जो पहली वैल्यू थी ना वो तो मैंने काउंट कर ली है, उसका सम तो मैंने यहाँ तक काउंट कर लिया के तक का। अब मैंने सम काउंट करना है अगले का, क्योंकि पिछले तो मेरे पास काउंट होकर आ गई है, मैंने सिंपली इसको यूज़ करना है, तो मैं ये करूँगा कि मैं इसको रिमूव कर दूंगा सम में से और बाकी इसको मैं ऐड करता रहूँगा, तो मेरे पास जो है वो सम आता रहेगा, मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा ये सारा काउंट करने के लिए, तो मैं इसको पहले ही कर चुका हूँ। तो इसके लिए मैं इसको स्टार्ट ही करूँगा के से, कि अच्छा जब के मेरे पास यहाँ पर 4 है तो ये 4 से स्टार्ट करेगा, 4 से लेकर लेंथ तो नम्स तक। अच्छा, वो इंडेक्स के जाके अंदर ही रहे, इंडेक्स से बाहर ना जाए। जी सर, आपका हैंड रेज है। सर, ये आपने जो लूप लगाई है इसकी समझ नहीं आई है, दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज़। मैं कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने अपना जो पहली सब रे थी के तक की, मैंने उसका सम ले लिया सबसे पहले। अच्छा, मेरे पास एक ये थी सब रे साइज 4 की के की, तो उसको मैंने सम ले लिया। अच्छा, अब मैंने लूप चलाना कहाँ से है, इसका तो मैंने सम ले लिया, अब मेरे पास मैंने इससे आगे का लूप चलाना है, ये तो वैल्यूज जो है वो मेरे पास काउंट होकर आ गई हैं। अब सिंपली मैंने ये करना है कि सिर्फ अपनी एक पिछली वैल्यूज को रिमूव करना है और मैंने अपनी अगली वैल्यूज को काउंट करते जाना है अपनी गिवन विंडो के अंदर। तो इसी तरह मैं इस पर स्टार्टिंग से नीचे आऊँगा, अपना फॉर लूप मैं स्टार्टिंग से चलाऊँ क्योंकि वो मैंने पहले ही अपना काउंट कर लिया, तो मैं यहाँ से अपना सेकंड जो है उसको जो पॉइंटर है यहाँ से रखूँगा, कि ये तो मेरे पास पहले ही काउंट है, इसमें मैंने 50 को काउंट करना है। 50 को काउंट करने के बाद मैं देखूंगा कि ये मेरी गिवन विंडो के अंदर है कि बाहर है, अगर तो वो गिवन विंडो के बाहर है तो मैं सिंपली इसको रिमूव अपने लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करूंगा और इसको यहाँ पर ले आऊंगा, तो मैं अपना जो सेकंड लूप है उसको मैं यहाँ पर ही नहीं रखूंगा इसके साथ ही। लेट्स सपोज के जैसे हम पिछली कई क्वेश्चन में हम करते थे कि हम लेफ्ट को भी यहीं रख देते थे और राइट को भी यहीं रख देते थे, और फिर वन बाय वन हम राइट को आगे मूव करते रहते थे, विंडो का साइज चेक करते, और फिर जब विंडो हमारी एक्सटेंड हो जाती थी हमारी गिवन कंडीशन से फिर हम लेफ्ट पर मूव करते थे, तो इसमें मैं पहले ही इसको आगे रख रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछली वैल्यूज को जो है वो काउंट पहले कर लिया। मैं सिंपली बस यही करूँगा कि ईच एंड एवरी टाइम जब विंडो का साइज एक्सीड होगा मैं पिछले को रिमूव करता रहूँगा एल को, और उसको एक साथ आगे लेकर आता रहूँगा, तो इसकी वजह से क्योंकि मैंने के वैल्यूज को पहले ही काउंट कर लिया था तो मैं इसको के से ही शुरू करूंगा, फिर के से पीछे जो वैल्यूज हैं वो मैंने पहले ही काउंट कर लिया, अब उससे जो अगली वैल्यूज हैं उनको काउंट करना है, तो उसके ऊपर मैं अपना जो लूप है वो चलाऊंगा सिर्फ। क्लियर है सर आपको, क्या मैं एक्सप्लेन कर दूंगी? सर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है, आप क्वेश्चन आगे कर ले, लास्ट में मैं क्वेश्चन फिर कर लूंगा। चलें ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं करूंगा कि अपने टोटल के अंदर पहला सीधे कर तो खोलूंगा नम्स ऑफ आर को, और मैं माइनस करूंगा अपने नम्स ऑफ एल को,
अब मैं इस वैल्यू को, जो मेरे पास अगली वैल्यू है उसको मैं काउंट कर रहा हूँ, और मैं पिछली को रिमूव कर रहा हूँ, और मैं ये अपना जो विंडो है उसको अपडेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को अपडेट करने से पहले चेक करूँगा मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू। मैक्स क्या निकालेंगे कि मैक्सिमम का इट्स, और मेरे पास जो अब टोटल है उसका निकालेंगे। तो मेरे पास जो भी अगर मैक्सिमम होगा, जो अब नया टोटल आया है उसका मैक्सिमम होगा, या मेरे पास जो पहले वैल्यू पड़ी है वही मैक्सिमम है, तो जो भी कोई है वो उसका मैक्सिमम निकाल कर मेरे मैक्सिमम में आ जाएगा, और इसके बाद मैं अपने लेफ्ट पॉइंटर को वन स्टेप आगे मूव कर दूंगा, एंड एट द एंड मैं रिटर्न कर दूंगा अपने मैक्सिमम को डिवाइडेड बाय के, क्योंकि मैंने उसकी एवरेज को निकालना है। तो आई थिंक हाँ, रन करके देख लेते हैं। तो सबमिट भी कर लेते हैं। सर ये आगे जो पॉइंट्स हैं 0 पॉइंट समथिंग, उसकी खैर मतलब के आंसर में जो पॉइंट्स में आंसर आ रहा अच्छा, सबमिट हो गया। अच्छा, इसकी आप बात कर रहे? है। जी, हाँ, तो जब हम वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो जाहिर सी बात है जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग में आएगी। अब 4 वैल्यू मेरे पास लाजमी तो नहीं कि मेरे पास जब वैल्यू आएगी वो इवन का, इफ सम जो है वो इवन का ही होगा, इवन नंबर में। तो अगर तो वो हमें कहते हैं कि अगर हमने इनकी करनी है इसके बगैर, कि हमारे पास पॉइंटिंग की वैल्यू को ऐड नहीं करना, सिर्फ पहले वैल्यूज पे लेना है, तो हम इसकी करते इंटीजर डिवीजन। पाइथन में हम उसको इंटीजर डिवीजन कहते हैं, और वो हम यूज़ करते हैं डबल स्लैश के साथ। तो फिर जो है वो पॉइंट्स के जो बाद की वैल्यू है उसको नहीं लेता, वो सिर्फ पॉइंट्स से पहले वैल्यू को लेता है। तो इसमें हम जो है वो सभी सारी वैल्यू को ले रहे हैं, ओके हो गया, ओके पॉइंट्स के बाद ओके वैल्यू को भी। जी, हो गया ओके। अच्छा ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो? जी सर, आप हैंड। सर ये लाइन नंबर 5 थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जी मैं आप करता हूँ आप बात उसमें। अच्छा, सबसे पहले अपना टोटल ले लिया वेरिएबल, उसके अंदर मैंने क्या किया कि अपनी पहली के वैल्यू इसको मैंने संभाल कर उसमें ऐड कर लिया। के से मुराद है मेरी पहली विंडो का साइज जो है उसकी जितनी भी वैल्यू थी मैंने उसको ऐड कर सम कर लिया, तो मेरे पास आया सबसे पहले 2। अच्छा, अब मैंने ये तो काउंट कर लिया, अब मैंने फॉर लूप चलाया कहाँ से? मैंने फॉर लूप चलाया के से लेकर लेंथ ऑफ नम्स तक। अब मेरा के कहाँ क्या है? के की मेरी वैल्यू है यहाँ पर 4, तो ये चलेगा 0, 1, 2, 3 एंड 4 पर आएगा। तो मेरा जो आर पॉइंट है दूसरा, वो यहाँ पर पड़ा है। यहाँ पर इसलिए पड़ा है कि मेरे पास जो पिछली सब रे ना उसका तो मैंने सम निकाल लिया पहले ही, वो मेरे पास 2 आ गया। अब मैं इसको दोबारा काउंट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर नहीं इसको आर को रखूँगा, कि आर को मैं यहाँ पर रखूँ, फिर इसको मैं एक स्टेप आगे लेकर जाऊँ, इसको फिर काउंट करूँ, फिर इसको आगे एक स्टेप लेकर जाऊँ 5 पर, इसको काउंट करूँ, फिर एक स्टेप आगे लेकर जाऊँ, इसको काउंट करूँ। तो ये तो मैंने पहले ही अपने पास काउंट कर लिया है, अपने इस वेरिएबल के अंदर काउंट करके रख लिया कि अच्छा इस सब अरे के अंदर मेरा जो सम है वो 2 है। काउंट है ना, ये मेरे पास सब अरे पहले ही आ गया। मैं अपना लूप कहाँ से स्टार्ट करूँगा? मैं इसे आगे स्टार्ट करूँगा यहाँ से। इसका मुझे बेनिफिट ये होगा कि अच्छा मेरे पास जो है वो मेरा लेफ्ट पॉइंटर जो है वो यहाँ पर था, ठीक है। अब मेरा राइट पॉइंटर है, मैंने अब राइट पॉइंटर की वैल्यूज को अपने सम के अंदर ऐड करना है। ये तो मेरे पास जो यहाँ तक है वो मेरे पास पहले ही ऐड है, ठीक हो गया। अब ऐड मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूँ कि मैं ये आर की जो वैल्यू है उसको अपने टोटल के अंदर ऐड करूँ, जो मेरे पास पहले टोटल है, पहला टोटल मेरे पास 2 है, 2 के अंदर मैं 50 को ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया? अच्छा 52 आ गया। उसके बाद मैं देखूंगा कि अच्छा मेरे पास जो है वो साइज जो है मेरी विंडो का वो एक्सटेंड हो गया है 4 से, तो मैं सिंपली अपने लेफ्ट पॉइंटर को मूव कर एक स्टेप आगे आ जाऊंगा, तो मेरे पास जो नई विंडो आएगी वो इसकी आएगी।
तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस पूरी सफरे को जो मैंने पिछली दफ़ा पहले ही एप्लीकेशन में काउंट कर ली थी, ये वाली मैं दोबारा उस पर नहीं जाऊँगा। तो मैं दोबारा रिपीट काम नहीं करूँगा, वो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। तो मैं अपने जो सेकंड पॉइंट है उसको मैं उससे अगली सफरे के ऊपर लेके जाऊँगा, इस सफरे के ऊपर नहीं करूँगा, ये मैंने पहले ही काउंट कर लिया। मैं सेकंड के लिए जो सम करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए फिर अपने पॉइंटर को यहाँ पर रखूँगा अपने नई विंडो के स्टार्टिंग इंडेक्स के ऊपर जो कि है 50। तो इसकी वजह से मैं अपना जो फॉर लूप है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ के वैल्यू के ऊपर से। सर आप क्लियर है आप, या मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ? ओके सर, थैंक यू, क्लियर हो गया। अच्छा, किसी और का कोई और क्वेश्चन, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को समझ ना आई हो? एनीवन सर ये सेवन से लाइन नंबर 7 से आगे एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ये जो दो लाइन है ना मैक्सिमम जो आप निकाल रहे हैं। ठीक हो गया, मैं लाइन नंबर 7। अच्छा, लाइन नंबर 7 पर जब आए तो हमने पहले किया टोटल। अच्छा, टोटल हमारे पास निकालने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो नया टोटल आ रहा है, जो हमारे पास अगली वैल्यू है, जब आप विंडो को मूव कर रहे हैं तो हमारे पास जो अगली वैल्यू है उसको ऐड करने से, और हमारे पास जो पिछली वैल्यू है मैंने इसको रिमूव किया और इस वैल्यू को मैंने ऐड किया। अच्छा, इन दोनों को अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के पास मेरे पास टोटल मेरे पास आ गया एक नई वैल्यू, पहले कुछ और थी अब कोई और है। तो मैं अब इसमें ये देख रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम ले रही है, मैंने वैल्यू लेनी है मैक्सिमम। तो मैं चेक करूँ कि मेरे पास जो पहले वैल्यू थी मैक्सिमम वो ज़्यादा आई है, कि या मेरे पास जो अब टोटल करने के बाद एक नई वैल्यू आई है वो मैक्सिमम है। तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी अब वो मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे कि सब अरे फाइन के अंदर मेरे पास जो तो मैक्सिमम थी वो थी 2। अब इसको 50 को ऐड करके और 1 को रिमूव कर मैंने विंडो को आगे स्टेप पे एक मूव किया, एक नई सब अरे मुझे मिल गई। इसका जो मैंने टोटल किया, इसका मुझे टोटल मिला 51। तो मैं अब 2 और 51 में से कंपेयर करूंगा कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो मेरे पास 51 बड़ी है मैक्सिमम वैल्यू, तो मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 से 51 अपडेट हो जाए, और मैं अपने जो पॉइंटर है उसको आगे मूव कर दूंगा एक स्टेप लेफ्ट पॉइंटर। एट द एंड जो है वो मैं इसको मैक्सिमम मेरे पास जो वैल्यू आई है उसकी एवरेज निकालने के लिए मैं उस पर के पर डिवाइड करूंगा। के पर यानी कि मेरे पास जितने नंबर्स हैं, जिन नंबर्स का मैंने सम लिया है उतने नंबर्स पर आप उसको डिवाइड करते हैं। तो मैंने चूंकि 4 4 नंबर्स का सम लिया है तो इसलिए मैं उसको के पर ही डिवाइड कर दिया। क्लियर सर आपको? जी सर, क्लियर, थैंक यू। तो किसी का और भी प्रश्न हो? ओके, अगर किसी का नहीं है क्वेश्चन तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।